अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण समाज ने सामाजिक अभियान की शुरुआत की है और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान आरंभ किया गया है और पहले ही दिन 251 आजीवन और 555 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में त्वरित निर्णय होना चाहिए, अन्यथा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जन आंदोलन छेड़ेगा। ऐसे भी परिवार हैं जिनके भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा मां शारदे को नमन करते हुए फ्रंट अपना आज से राज्यव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में ये अभियान आज हम लोगों ने श्री गणेश किया है। 51 आजीवन सदस्य अभी तक बन चुके हैं और ये पूरे दिन हमारा अभियान चलेगा और लगभग 500 सामान्य सदस्यों ने रसीद लिया है, रसीद कटाया है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज जो बिखरा हुआ है उसको संगठित करना है और संगठित करके ये समाज सभी के लिए उपयोगी साबित हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक हमारे अध्यक्ष ने स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जो हमारे फ्रंट के आदर्श हैं, उनके लिए भारत सरकार से भारत रत्न की उपाधि देने की मांग की है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए हम भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह आप अन्य विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा है, श्री बाबू को भी भारत रत्न से आप नवाजिए। और जहां तक मेंबरशिप अभियान का सवाल है, हमारा आज से पूरे प्रखंड गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलेगा और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम अपना संवाद करेंगे और कुल मिलाकर पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम, इस अभियान और इस फ्रंट को मजबूत करेंगे और समाज के सभी वर्ग को पूर्व की भांति पुरखों ने जैसे नेतृत्व करने का काम किया, उसी तरह हम भी नेतृत्व करेंगे, उनको मदद करेंगे, हम संगठित होकर समाज का निर्माण करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो लोग भी हमें कमजोर करने का प्रयास किए हैं, हम संगठित होकर उनको ये भी संवाद देने का काम करेंगे कि अब आप हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, अब हमारा फ्रंट का स्टैंड है कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। इस फॉर्मूले पर जो पॉलिटिकली हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कोई दल कोई पार्टी रहे, हम किसी का पिछलग्गू नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। इसी संकल्प के साथ फ्रंट आगे बढ़ रहा है और ये सदस्यता अभियान पूरे राज्य में जोर शोर से चलेगा और जितने भी सामाजिक संगठन है हमारा संगठन नंबर 1 पर हो, इसके लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे और लगे हुए। लोगों को कहना चाहता हूं कि पूरे देश में प्रधानमंत्री कई एक राज्यों में बने थे, उन सभी प्रधानमंत्रियों को, विधान चंद्र राय को, इन सब लोगों को केंद्र सरकार ने सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि केंद्र सरकार दिया है, लेकिन श्री बाबू भी देश के बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। मैं केंद्र सरकार को सामाजिक फ्रंट के तरफ से और बसंत पंचमी के मौके पर गिरिडीह में काफी धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। स्कॉलर बीएड कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन काफी धूमधाम के साथ हुआ, जहां छात्र छात्राएं पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल हुए और विद्या की देवी मां शारदे की आराधना की। उसके बाद छात्रों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया।
तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।